हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ CMVR। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 को, CMVR के चैप्टर 4 को, दैट इज अबाउट द कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इन विच वी टॉकिंग अबाउट द टूरिस्ट परमिट एंड नेशनल परमिट, दैट विल कवर द रूल नंबर 82 to 90। तो एक छोटा सा चैप्टर है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉबिलिटी है, क्योंकि टूरिस्ट परमिट कैसे इशू होती है, क्या वैलिडिटी होती है, नेशनल परमिट कैसे इशू होती है, क्या वैलिडिटी होती है, इस पर क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी है। तो ध्यान से देखिएगा, आप कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं लास्ट में आपको मिलेंगे जिसका आप आंसर कर सकते हो आफ्टर द लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, आपको सर्च करना है @ मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो जो रूल 82 है, यहाँ पे टूरिस्ट परमिट की बात की गई है। अगर आपको टूरिस्ट परमिट चाहिए तो आपको फॉर्म 45 फिलअप करना होगा, आपको कहीं नहीं जाना है। आप जिस भी स्टेट के, जिस भी RTO के ज्यूरिडिक्शन में आते हो, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट परमिट के लिए। तो ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका जो सब रूल A है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे वैलिडिटी की बात की गई है कि जो आपके पास टूरिस्ट परमिट है वो कितने ईयर के लिए वैलिड रहेगी। तो 9 ईयर की वैलिडिटी रहेगी अगर आपकी व्हीकल कैटेगरी में आती है मोटर कैब। मोटर कैब मतलब आपकी व्हीकल की कैपेसिटी है 6 पैसेंजर, ठीक है, 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के अगर 6 पैसेंजर है तो आपकी व्हीकल मोटर कैब की कैटेगरी में आती है, जिसकी वैलिडिटी है 9 ईयर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उसकी वैलिडिटी होगी 8 ईयर। तो ये दोनों वैलिडिटी आप याद रखना, मोटर कैब के लिए 9 ईयर, अदर देन द मोटर कैब दिस इज 8 ईयर। अगर आप अपने जो आपके पास परमिट है उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, बट ऐसे व्हीकल से रिप्लेस कर सकते हो जो 2 साल से पुरानी नहीं हो, मतलब जिसकी परमिट है आपके पास जिस व्हीकल की उससे 2 साल से ज़्यादा पुरानी व्हीकल ना हो। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया है, 9 ईयर और 8 ईयर के एक्सपायर होने का जो भी आपकी वैलिडिटी है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ऑथराइजेशन फी। तो जो भी फॉर्म आप 46 फिलअप करोगे उसके लिए आपको 500 पर एनम पे करना होगा। नेक्स्ट जो आपका राइट ऑफ ऑपरेशन, अगर आपके पास परमिट है, टूरिस्ट परमिट है, तो ऐसा नहीं कि आपको राइट मिल गया कि आप कहीं भी व्हीकल चला सकते हो। अगर आप पे कहीं पे टैक्स बाकी है या कोई लाइबिलिटी बाकी है आपके ऊपर, तो ये राइट टू ऑपरेशन नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास परमिट है तो मेरे पास राइट्स है घूमने का, ठीक है, भले आपने फी पे की है, बट अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा। जो रूल नंबर 85 है, एडिशनल कंडीशन ऑफ द टूरिस्ट परमिट, क्या एडिशनली आपको फुलफिल करनी है, क्या एडिशनल क्राइटेरिया दिया गया है। तो अगर आपके पास मोटर कैब है तो आपको एडिशनल क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। मोटर कैब के अलावा अगर आपकी व्हीकल मोटर कैब की कैटेगरी में नहीं आती है, उसके अलावा कोई आपके पास व्हीकल है, तो आपको ये सारे क्राइटेरिया भी फुलफिल करने पड़ेंगे। इसमें कहा गया है कि जो भी आप ट्रिप करोगे उसको लिस्ट करोगे, जितने भी पैसेंजर गए आए उनका नाम, एड्रेस, ये सारे, उनका एज, स्टार्टिंग पॉइंट, डेजिग्नेशन पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होगी एज अ रजिस्टर। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है हमारा, इसमें सब रूल 1 में जो क्राइटेरिया बताया गया था कि आपको डिटेल सारी मेंशन करनी है, पैसेंजर की कहाँ से चले, क्या नाम है, वो सारी चीज़ें कहाँ तक जाना है, ये इसकी एक कॉपी आपको टूरिस्ट व्हीकल में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका सब रूल 3, अगर आपके पास टूरिस्ट परमिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस स्टेट में टूरिस्ट परमिट, मतलब आपका जो होम स्टेट है, सपोज गुजरात में आपको टूरिस्ट परमिट इशू है, तो ऐसा नहीं कि गुजरात आप आ ही नहीं रहे हो, आराम से पूरी इंडिया का भ्रमण कर रहे हो, आप 3 मंथ से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, ठीक है, ये आपको मेंटेन करना है। विद इन 3 मंथ आपको होम स्टेट में एटलीस्ट एक बार आना है, जैसे कनाडा के वीजा पे चलता है ना कुछ ईयर के लिए, USA के वीजा पे वैसे ही। 4 नंबर है, द टूरिस्ट व्हीकल मे ऑपरेट सर्कुलर टॉर। सर्कुलर टॉर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस स्पॉट्स हैं, बहुत सारे रिलीजियस, जैसे कोई हिंदू रिलीजियस स्पॉट है 4-5, उसके विजिट पे आप जा रहे हो कि एक के बाद एक, चाहे कोई भी रिलीजियस स्पॉट्स हैं किसी भी कल्चर के, तो इस टाइप की जो जर्नी होती है उसे हम कहते हैं सर्कुलर टॉर। जैसे आपकी रेलवे भी सर्कुलर टॉर कराती है आपको कि जो भी आपके टूरिस्ट प्लेस हैं आप एक बार टिकट लीजिए, वो सारे टूरिस्ट प्लेस पे घुमा के, जो भी रिलीजियस प्लेस हैं घुमा के, तो इस टाइप के जो प्लेस हैं वहाँ पे भी जा सकते हो, ये आपको परमिशन है, एक तरह का ये भी पॉइंट है, बट एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। नेक्स्ट जो है आपका सब रूल 5,
जो परमिट होल्डर है या फिर जो एजेंट है उसका, जो ऑथराइज एजेंट है, अगर आप परमिट होल्डर हो, आप सपोज किसी ड्राइवर को ऑथराइज किए जो आपकी गाड़ी भी चलाता है और ये सारी चीजें भी देखता है, तो आप जिस भी जर्नी पे जाओगे उसकी एक रिसिप्ट होनी चाहिए आपकी, कितना लिया है आपने, क्या किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कभी भी अगर जो अथॉरिटी है वो डिमांड करती है तो आपको शो करना पड़ेगा। ये बेसिकली इसलिए भी मेंटेन किया गया है कि एक पर्टिकुलर फेयर ऑलरेडी डिसाइड होता है, आप उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते हो, तो कोई अनफेयर चीज़ ना हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें कि आपको पहले से रिसिप्ट बना के रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो रूल है, सब रूल 6, द टूरिस्ट व्हीकल शैल नॉट पार्क ऑन द बस स्टैंड। तो ऐसा आपको अथॉरिटी नहीं है कि किसी स्टेट में गए और जो भी बस स्टैंड वहाँ पे आपने पार्क करिए, तो ये भी एज सच ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो सब रूल 7 है, यहाँ पे आपके व्हीकल पे पेंटिंग की बात की गई है ताकि लोगों को पता चले कि आपकी व्हीकल एक टूरिस्ट व्हीकल है, तो आपको टूरिस्ट लिखना है। ये टूरिस्ट जो वर्ड है 5 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, इसको आपको पेस्ट करना है एक सर्कल में जिसका डायमीटर होगा 6 सेंटीमीटर। ये आपके व्हीकल के एक्सटीरियर पे पेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो सब रूल 8 है, यहाँ पे बोर्ड की बात की गई है कि आपके व्हीकल पे एक बोर्ड लगा होना चाहिए येलो कलर का, जिसमें ब्लैक इंस्क्रिप्टेड होना चाहिए टूरिस्ट परमिट वैलिड फॉर द स्टेट, किस स्टेट के लिए वैलिड है। ये इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, या फिर रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है। ऑल इंडिया परमिट है तो ऑल इंडिया परमिट लिखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट 9 है, द परमिट होल्डर शैल नॉट ऑपरेट द टूरिस्ट व्हीकल एज ए स्टेज कैरेज। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको चीजें याद होनी चाहिए। अभी स्टेज कैरेज किसे कहते हैं आपको याद नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा। स्टेज कैरेज मतलब कि व्हीकल को आप एज अ भाड़ा पे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे चलो हम सपोज कर लें कि आपके पास टूरिस्ट व्हीकल है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो अहमदाबाद से बड़ोदरा और हर आदमी से आप अलग अलग भाड़ा ले रहे हो, तो आप इस टाइप की चीजें, इस टाइप की हरकतें नहीं कर सकते हो अपने टूरिस्ट व्हीकल से। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 10 नंबर का, जो परमिट होल्डर है वो डे बाय डे का लॉक बुक मेंटेन करेगा, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी, एड्रेस परमिट होल्डर का, रजिस्ट्रेशन मार्क, व्हीकल नेम, एड्रेस ऑफ द ड्राइवर, जहां से स्टार्ट की है जर्नी, जहां तक जाना है, ये सारी चीजों का डे बाय डे लॉग बुक मेंटेन होना चाहिए। जो इसका सब रूल 11 है, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी जो व्हीकल है होम स्टेट से बाहर नहीं रह सकती 3 मंथ से ज्यादा, तो जब भी आप आओ इससे कम में, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ में जो भी आपकी स्टेट की अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करना है, जो भी आपने लॉग बुक तैयार किया वो सब वहाँ पे अगर उनको डिमांड करते हैं तो दिखाना है, और जो भी आपके पास लॉग बुक है इसको 3 ईयर तक आपके पास रखना है। ऐसा नहीं कि काम खत्म हुआ और आपने उसको जाने दिया। नेक्स्ट जो आपका रूल है 85 का है, ए द फॉलोइंग शैल बी एडिशनल कंडीशन ऑफ एवरी टूरिस्ट परमिट इन रिस्पेक्ट टू द मोटर कैब। अब हम मोटर कैब की बात कर रहे हैं, मोटर कैब मतलब जिसकी कैपेसिटी 6 सीट की है। तो यहाँ पे आपको जो टूरिस्ट लिखना है, टूरिस्ट व्हीकल, ये होना चाहिए 25 सेंटीमीटर के डायमीटर में, इससे पहले वाले से अलग। इससे पहले वाला जो डायमीटर था वो 6 था, ठीक है। यहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल आपको मेंशन करना है 25 सेंटीमीटर के डायमीटर में। यहाँ पे भी आपको एक बोर्ड मेंशन करना है जिसमें मेंशन हो टूरिस्ट परमिट वैलिड इन द स्टेट ब्लॉक लेटर में येलो बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे भी आपको मेंशन होना चाहिए प्रोवाइडेड दैट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, ये सब वैलिड नहीं है रेंट कैब स्कीम पे। अब ये रेंट कैब स्कीम क्या होती है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। जो टेम्पररी परमिट इशू करते हैं, सपोज कहीं पे रिलीजियस गैदरिंग है, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे टेम्पररी परमिट हो रही है, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे टेम्पररी गैदरिंग के लिए सपोज कुंभ लगता है, ठीक है, वहाँ पे कोई टूरिस्ट व्हीकल एज ए टूरिस्ट व्हीकल जा रही है और हमने टेम्पररी परमिट दिया उसको टूरिस्ट व्हीकल का, तो उसको ये सब पेंटिंग ओंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कार खराब हो जाएगी बेचारे की और 6 महीने में परमिट एक्सपायर हो जाएगी। तो जब टेम्पररी परमिट है तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें नहीं करनी है। जो रूल आपका 87 है, यहाँ पे नेशनल परमिट इशू की बात की गई है, तो नेशनल परमिट इशू होगी फॉर्म 46 पे, ठीक है। जो फी होगी दैट इज 1000 रुपीज पर एनम। ये जो फी है ये वेरी करती है व्हीकल टू व्हीकल, कौन सी व्हीकल के लिए आप इशू करा रहे हो दैट डिपेंड अपॉन द व्हीकल, तो आप वो देख लेना एक बार कि किस व्हीकल के लिए क्या फी है। तो ऐसे फी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। जो हमारा 88 है, एज ऑफ द मोटर व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल परमिट, तो नेशनल परमिट के लिए जो व्हीकल यूज की जाएंगी उनका
बेसिकली क्या यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो व्हीकल की बात की गई है, दैट इज द गुड्स कैरेज व्हीकल, मतलब वो आदमी को नहीं ढोती है, सामान जो कैरी करती हैं उनकी बात की जा रही है। तो अगर आपकी व्हीकल मल्टी एक्सल व्हीकल नहीं है तो उसकी जो परमिट की एज होगी दैट इज 12 ईयर होगी, ठीक है, जैसे कि छोटी व्हीकल है इन शॉर्ट। तो अगर आपकी मल्टी एक्सल गुड्स व्हीकल है तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 15 ईयर की होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है 2A, कोई ट्रैक्टर है अगर वो भी 15 साल पुराना है तो उसको परमिट नहीं दी जाएगी, मतलब इन शॉर्ट ये है कि इसको भी परमिट अगर दी जाएगी तो वो 15 ईयर से कम एज का होना चाहिए। अभी एज कैसे कंसीडर करेंगे, एज मतलब व्हीकल का एज, जब व्हीकल आपकी फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुई, नई नई आपने खरीदे तब से उसकी एज काउंट की जाएगी। अगर आपकी मल्टी एक्सल नहीं है तो उसकी परमिट 12 ईयर, और आपका मल्टी एक्सल है तो 15 ईयर, ट्रैक्टर की भी 15 ईयर। ये जो आपकी नेशनल परमिट है ये एक्सटेंड भी हो सकती है अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया हो मैन्युफैक्चरर से या फिर इंजीनियर से, टेस्टिंग एजेंसी जो होती हैं कि हाँ आपकी व्हीकल ठीक है, तो इट कैन बी एक्सटेंड फॉर द 5 ईयर। नेक्स्ट जो सब रूल 3 है, यहाँ पे नेशनल परमिट के इनवैलिड होने की बात की गई, तो ऑटोमेटिकली जो एज डिफाइंड किया गया है आपके व्हीकल के लिए, अगर आपकी व्हीकल वो एज क्रॉस कर लेती है तो दैट इज नॉट मैटर कि स्टिल आपके परमिट की वैलिडिटी हो, बट आपकी परमिट इनवैलिड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आज आपने परमिट निकाला है, आपकी परमिट 5 ईयर के लिए वैलिड है, 5 साल के लिए, मान लीजिए 2025 के लिए वैलिड है ये, और आपकी व्हीकल जो है 2024 में 12 ईयर अचीव कर लेती है अगर वो मल्टी एक्सल नहीं है तो आपकी परमिट 1 साल पहले ही एक्सपायर हो जाएगी। इन शॉर्ट जो एज है और जो आपकी परमिट है दोनों में से जो पहले आ जाएगा उस पे वैलिड, उस पे आपकी जो परमिट है वो एक्सपायर हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 4 नंबर, अगर आपके पास कोई हैवी व्हीकल है जो कि 50 टन वियर कर सकती है, मोर देन 50 टन, अगर उसकी एज 25 अचीव हो गई है तो उसको नेशनल परमिट ग्रांट नहीं की जाएगी। तो इन शॉर्ट 25 साल से कम के व्हीकल को, मतलब हैवी व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 50 टन है, 25 ईयर से कम के व्हीकल को ही हम नेशनल परमिट देते हैं, मतलब नेशनल परमिट उसको मिलती है। नेक्स्ट जो आपका रूल है 4A, इसमें बात किया गया है मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के परमिट के बारे में। अगर आपके पास व्हीकल है जिसके पास मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर है, जो मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर कैरी करते हैं, मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर मतलब हाइड्रोलिक ट्रेलर जो बेसिकली हाइड्रोलिक कंट्रोल्ड ट्रेलर होते हैं, व्हीकल में यूज किए जाते हैं, तो ऐसे व्हीकल की भी परमिट कितने साल तक वैलिड होती है, उसके 25 ईयर एज तक, मतलब 25 ईयर एज से ज़्यादा हो गया तो किसी भी ऐसे व्हीकल को परमिट नहीं दिया जाएगा जिसके पास मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर है। अब ये भी 5 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है अगर आपके पास मैन्युफैक्चरर या फिर जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनसे आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाए। तो नेशनल परमिट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, मतलब नेशनल परमिट थ्रू आउट द इंडिया, इंडिया में जो भी टेरिटरी है अगर आपके पास नेशनल परमिट है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट जो सब रूल 5 है, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की गई है कि आपको एक वाटरमार्क कैरी करना है जिसमें होलोग्राम हो आपके स्टेट गवर्नमेंट का, सच इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है 19 नंबर, एडिशनल कंडीशन फॉर द परमिट इशू अंडर द सेक्शन 88 जो होता है, जहाँ पे आपको इश्यू किया गया है जिस स्टेट में, अगर उस स्टेट से बाहर आपके व्हीकल को ऑपरेट करना है तो नेशनल परमिट शैल बी प्रिंटेड डाई ड्राई लिप ब्राउन कलर विथ 30 सेंटीमीटर बोर्ड पे प्रिंटेड होना चाहिए, और नेशनल परमिट आपको 6 सेंटीमीटर डायमीटर में भी प्रिंटेड होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए अगर आप स्टेट से बाहर ऑपरेट करते हो अपने व्हीकल को तो। और अगर आपकी व्हीकल डेंजरस गुड्स या फिर हैजार्ड्स गुड्स कैरी कर रही है तो जो आपकी व्हीकल की बॉडी है दैट शुड बी पेंटेड ऑफ द वाइट कलर विथ ड्राई लीफ बाउंड रिबन ऑफ 5 सेंटीमीटर विड्थ। इसके अलावा जो ड्राइवर की केबिन है दैट शुड बी पेंटेड इन द ऑरेंज कलर। इसके अलावा भी प्रोटोकॉल होते हैं, ऑलरेडी आपकी जो व्हीकल होती है वहाँ पे जो डेंजरस का सिम्बल्स होता है वो लगा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्लॉज है, नेक्स्ट जो रूल है आपका, नेशनल परमिट प्रिंटेड होना चाहिए, किस स्टेट में वैलिड है वो प्रिंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आप गुड्स कैरीड नहीं कर सकते हो बिना फॉर्म 50 के, ये सब प्रोटोकॉल है, सच इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये
इसमें कहा गया है कि अगर ऐसी व्हीकल है तो यहाँ पे दो ड्राइवर होना चाहिए मिनिमम, और उसमें ड्राइवर को सोने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो स्ट्रेच हो जाए, सो पाए, उस टाइप की व्हीकल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसमें मेंशन किया गया है कि आपकी व्हीकल ऑलवेज ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो कैरी करनी चाहिए। तो आपके व्हीकल के पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, टैक्सेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सब रूल 6 है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी व्हीकल, ऐसा नहीं कि नेशनल परमिट हो गई तो जो स्टेट का रिस्ट्रिक्शन है यू हैव टू फॉलो दैट। अगर स्टेट कहीं पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इस एरिया में नहीं जाना है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास नेशनल परमिट है हम कहीं भी जाएंगे, वो आपको फॉलो करना है। जो 7 नंबर का रूल है, आप किसी भी स्टेट में जाके अगर आपके पास नेशनल परमिट है तो ऐसा नहीं कि उसी स्टेट में जाके आप लोकल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे मेंशन है कि आप लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते हो सेम स्टेट में, अदर देन द होम स्टेट जहाँ पे आपकी परमिट है, जहाँ से आपको परमिट इशू की गई, उसके अलावा किसी और स्टेट में आप लोकल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। अब आज के टॉपिक पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और बनाए जा सकते थे बट नेवरदलेस ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करना सॉल्व करने की। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और एक इन्फॉर्मेशन और कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5, वो काफी लेंदी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पार्ट वाइज आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।